नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएनसी न्यूज। जनपद गाजीपुर के पूर्व मध्य रेलवे में सुमार जमानिया रेलवे स्टेशन पर आज भारत सरकार के रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने 9.5 करोड़ की लागत से बने प्लेटफार्म का लोकार्पण किया। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा अपने विशेष सैलून से मुगल सराय सकलडिया धीना होते हुए जमानिया पहुंचे थे। यहां का लोकार्पण करने के बाद वह अपने विशेष सैलून से दिलदार नगर के लिए रवाना हुए, जहां पर वह रेलवे के विकास कार्यों का लोकार्पण का काम करेंगे। इसके साथ ही उसिया हाल्ट गमर पर भी उद्घाटन का कार्यक्रम है। इस दौरान उन्होंने बताया कि दीपावली से 10 दिन पूर्व गाजीपुर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास कार्यक्रम भी करेंगे, जिसमें आम जन के साथ ही आसपास के जिले के लोगों को भी चिकित्सा सुविधा मिल सकेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने हाथों में ट्रामा सेंटर की तख्ती लेकर ट्रामा सेंटर की मांग किया, जिस पर मनोज सिन्हा काफी नाराज हुए। वहीं उन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए बक्सर से वाराणसी के लिए एक मेमू ट्रेन जो अगले महीने से चलाई जाएगी उसका भी घोषणा किया। प्रसन्नता की बात है कि जो काम 1.5 वर्ष पूर्व पहले 2 वर्ष पहले प्रारंभ किया गया था वो काम आज अपने अंतिम चरण में है और मोटे तौर पर 9.5 करोड़ रुपए की लागत से जमानिया स्टेशन पर पिछले 2-2.5 वर्षों में सरकार आने के बाद काम हुआ है। बक्सर, मुगल सराय और वाराणसी नियमित जाने की जरूरत है, तो आज एक फैसला हमने किया है कि एक महीने के कम समय में, एक महीने के अंदर बक्सर से सुबह एक मेमू गाड़ी तेज गति की चलेगी, पर्याप्त कोच उसमें होंगे, हर स्टेशन पर रुकेगी और 10 बजे तक बनारस पहुंचा देगी, शाम को फिर ले आकर के आपके घर छोड़ देगी। मैं समझता हूं ये सबसे अच्छा समाधान, यहाँ आए हैं उनको ट्रामा सेंटर चाहिए, मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार ने अभी स्वीकृत किया है गाजीपुर में, दीपावली के 10 दिन के अंदर उसका शिलान्यास करके मेडिकल कॉलेज गाजीपुर का 2 वर्ष में हम पूरा कराएंगे। 3 ट्रामा सेंटर गाजीपुर में प्रस्तावित है, उसकी भी स्वीकृति करा करके उस ट्रामा सेंटर को भी निश्चित रूप से हम बनाएंगे। आप सबको मालूम है कि सरकार बनने के बाद आज वाराणसी में देश का सबसे बढ़िया चिकित्सा। सबसे पहले तो पूरे प्रदेशवासियों को नवरात्र, दीपावली, विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ, और मैं आपके माध्यम से प्रदेश और जनपद वासियों से अपील करता हूं कि स्वच्छता पर इस दिवाली विशेष ध्यान दें। प्रदूषण हमारी इच्छा है कि सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में पढ़ने वाले सभी छात्रों की ओर से एक स्वयंसेवी छात्र संगठन का समूह तैयार किया जाए और उनकी लिस्ट तैयार हो, सर्च कर लीजिए कि जो स्वयंसेवी हमारे छात्र हैं, अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, उनके मोबाइल नंबर, उनके ब्लड ग्रुप विधिवत रखे जाएं और गाजीपुर जिले ही नहीं बल्कि बाहर से भी अगर कोई निडी है, इस तरह का आवश्यक है, तो हमारे प्रिंसिपल को वो फोन करें, उनकी सूची उपलब्ध कराए और निःशुल्क रक्तदान का एक कार्यक्रम पूरे देश के स्तर पर ये चलाया जाए। ये हमारी कोशिश है कि रक्तदान जिसे कहा जाता है वंत तक दान के रूप में ही उस निडी व्यक्ति तक पहुँच जाए।